हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ब्रश। इस वीडियो में हम कस्टमाइज कीरिंग बनाना सीखेंगे। आगे बढ़ने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। रोलर पिन या किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्ले को रोल कर लें। मैंने क्ले को पॉप्सिकल स्टिक्स के बीच में रखकर रोल किया है ताकि क्ले यूनिफॉर्म थिकनेस का हो। मैंने क्ले के दोनों तरफ दो दो पॉप्सिकल स्टिक्स स्टैक करके रखे हुए हैं। यहाँ मैंने होममेड कोल्ड पोर्सलिन क्ले का यूज़ किया है। इस क्ले का काम शुरू करने के पहले अपने हाथों वर्क सरफेस और टूल्स को अच्छी तरीके से साफ कर लें और उन पर ऑयल, पेट्रोलियम जेली या बॉडी लोशन लगा लें ताकि क्ले आपके हाथों में ना चिपके। इसके बाद हार्ड शेप कटर की हेल्प से मैंने क्ले को कट कर लिया है। यहाँ मैंने DIY कटर का यूज किया है। स्ट्रॉ की हेल्प से क्ले में होल बना लें और इसे पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ दें। क्ले की पूरी तरह सूखने के बाद क्ले पर परमानेंट मार्कर से कलर कर लें। आप एक्रिलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं, बट परमानेंट मार्कर की हेल्प से डिटेल्स बनाना इजी होता है। क्ले को कलर करने के बाद उसके ऊपर वार्निश लगा लें। अगर आपके पास वार्निश ना हो तो आप क्लियर नेल पेंट या डेकोपाज ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। वार्निश लगाने से हमारे कलर सिक्योर हो जाते हैं। मैंने एक गलती की थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने स्प्रे वार्निश का यूज़ किया था। आप ऐसा ना करें। स्प्रे वार्निश का यूज़ करने से परमानेंट मार्कर्स के इंक फैल जाते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट में होममेड कोल्ड पोर्सलिन क्ले का यूज़ किया है। कोल्ड पोर्सलिन क्ले से कोई भी चीज़ बनाने के पहले उसे अच्छी तरीके से कंडीशन कर लें। आप इस क्ले की जगह किसी भी एयर ड्राई क्ले का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आकर शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करते हैं। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये बैकग्राउंड थोड़ा खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने रेड परमानेंट मार्कर से पोल्का डॉट्स बना दिए हैं। इट्स द इजीएस्ट वे टू कवर ब्लैंक बैकग्राउंड। लास्ट में इस क्ले चार्म से की चेन अटैच कर लें।